प्रोफेशनल किलर की तरह अपनी पत्नी के लाश के टुकड़े करने के लिए कई सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। आरोपी ने लाश के टुकड़े करने के लिए टाइल्स काटने की मशीन बाजार से खरीद लाने के साथ साथ लाश की बदबू इधर उधर आसपास के इलाकों में ना जाए, इसीलिए लाश के टुकड़ों को एयरटाइट पॉलिथिन में पैक कर दिया और उसे पैक कर डक्ट टेप की मदद से सील पैक कर देने के बाद उसे पानी के टंकी के भीतर 2 महीने तक लगातार रखा। पवन सिंह ठाकुर ने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी सती से उसके रिश्तों को लेकर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। वो पवन के नकली नोटों के कारोबार में भी अड़चन डाला करती थी। ऐसे में उसने सती की हत्या करने का फैसला कर लिया। उसने अपने बच्चों को पहले अपने गांव में छोड़ा और फिर सती की जान ले ली। इसके बाद उसने अपने बच्चों से लेकर जो भी नाते रिश्तेदार उससे मिलते रहे, सभी को उसने सती के घर से भाग जाने की झूठी कहानी सुना दी। सती साहू के घर वालों ने पुलिस को बताया है कि पिछले कई महीनों से सती से बात नहीं हो पाने की वजह से उन्होंने पवन सिंह से भी पूछताछ की थी, लेकिन हर बार पवन ने उन्हें सती के किसी के साथ भाग जाने की बात कही। 15 रोज पहले सती की बहन सीता का बेटा भी अपनी मौसी से मिलने गया था, मगर पवन ने वही बात दोहराई। पवन ने पुलिस को बताया है कि वो लाश को टंकी से निकाल कर कहीं और फेंकना चाहता था, मगर चूंकि पड़ोस के एक मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां दिन भर लोगों की मौजूदगी रहती है, उसे लाश ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिला। अभी तक हम लोग सदमे में हैं। अजीब लगता था, बाकी यहाँ किसी से बातचीत नहीं थी ना उनकी, हमारी किसी से बातचीत नहीं थी। कभी इधर आते थे? आते थे, साइकिल वगैरह खेलते खालते ना यहाँ से खेलते थे, बाकी हम उन लोग से कोई कांटेक्ट नहीं हमारा। ये देखा वो तो मुंह बांध के ही चलती थी, हमने कभी उसको खुला देखा ही नहीं। वो यहाँ से आना जाना करते थे ऐसे, लेकिन बांध के ही जाना आना। अब जाली नोटों के रैकेट का खुलासा करने पहुंची पुलिस ने एक भयानक कत्ल के मामले का भी खुलासा कर दिया था। पवन के जाली नोटों के कारोबार के बारे में पुलिस ने बताया है कि उसने जाली नोट छापने के लिए बाकायदा कुछ धंधेबाजों से इसकी ट्रेनिंग तक ली थी। नोट छापने के लिए वो खास किस्म के पेपर का इस्तेमाल करता था और वो ये पेपर खास तौर पर बेंगलुरु से ऑनलाइन परचेज करता था। पुलिस ने उसके घर से नोट छापने की मशीन, पेपर और दूसरे साजो सामान के साथ कुछ जाली नोट भी बरामद किए। पुलिस फिलहाल इस रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या 2 महीने पहले ही कर दी थी, लेकिन आसपास के इलाकों से पता चला कि आरोपी नकली नोट बना रहा है और उसे अपने आसपास के इलाकों में इस्तेमाल भी कर रहा है। और इसी मामले में पुलिस ने उसके घर दबिश करने जब पहुंची, तब घर की हालत काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी। पुलिस तलाशी करते करते जब छत पर पहुंची तो काफी ज्यादा बदबू आने के वजह से जब सिंटेक्स की टंकी पर जाकर उसका ढक्कन खोला तब पुलिस को पत्नी की लाश वहां से बरामद हुई। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि यह लाश उसकी पत्नी सती साहू की है और इसी मामले में पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। बिलासपुर से मनीष शरण और रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो।